कल यानी 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में चुनावी रैली कर पंजाब में भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले थे, जहां उन्हें किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही तेज बरसात के कारण उनकी रैली रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री को इस विरोध प्रदर्शन का सामना उस वक्त करना पड़ा जब पश्चिमी पंजाब के फिरोजपुर में चुनावी सभा के लिए जाते वक्त उनका काफिला अपने गंतव्य स्थान से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। इस विरोध के चलते प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर लगभग 20 मिनट तक रुका रहा। वहीं अब इस मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि उनका कोई मकसद नहीं था देश के प्रधानमंत्री को ठेस पहुंचाने का। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने इस घटना पर खेद जताया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने मीडिया से कहा, मैं पीएम की रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। उन्होंने इस पर आगे कहा कि लेकिन मैं यह भी बता दूं, उन्हें कोई खतरा नहीं था। आइए आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का ये वीडियो। गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10 15 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूँ कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह भी किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से एक उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार करा पड़ा था, मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर किस ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, एक साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां या लाठियां नहीं चलाने वाला हूँ। प्यार से मैंने रात पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। डेली अपडेट्स पाने के लिए बने रहें द वोकल न्यूज़ हिंदी के साथ। वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।